आलमी व शहादा, आलम गैब कहते हैं जिस आलम तक मखलूक की रसाई न होती। आलम शहादत उस आलम को कहते हैं जहां तक मखलूक जाकर उसका इल्म हासिल कर ले। जैसे अमरीका हमने नहीं देखा, लेकिन हम उसको आलम गैब नहीं कह सकते, क्योंकि हम जहां से जा सकते हैं, हम न जाए तो कोई दूसरा जा सकता। तो अल्लाह मालूसी रहमतुल्लाह सुनाते हैं जिस आलम तक मखलूक की रसाई हो सकती है उस आलम को आलम गैब नहीं कहते, वो आलम शहादत। इसलिए दुनिया को आलम शहादत कहते हैं और आखरत आलम गैब, वो आलम गैब। वो रहमान रहीम, रहमान रहीम में क्या फर्क, जिसका भी मुफस्सिरीन सुनाते हैं कि रहमान का ताल्लुक आम काफिर पर भी उसके फैजान, रहमान का फैजान काफिर पर भी है कि अल्लाह ताला काफिर को भी रोटी देता और तूलों को भी देता, छोटे छोटे जर्रात को पत्थरों में छुपे हुए पत्थर के छुपने का सुनिए, पहले सुना चुका हूँ कि अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर गोहरमानी सुनाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वही नाज़िल हो रही वक्त नुज़ूल वही अचानक उनके कल्ब में बालबच्चों का ख्याल आ गया, पता नहीं रोटी है या नहीं। फौरन अल्लाह ताला ने सुना है मूसा इस पत्थर को एक लाठी मारो, एक लाठी मारा बस वो पत्ता हट गया, दूसरा पत्ता हट गया, तीसरे में पत्ता जब हटा तीन परत उसके पत्थर के हटे चटान, तो तीन चटानों के बाद एक छोटा सा कीड़ा था बिल्कुल इतना छोटा जैसे और वो तस्वीर कर रहा था, उसके मुंह में गिजा कोई चिंता या कोई हरा पत्ता ताजा गिजा उसके मुंह में, और वो क्या कह रहा था, सुभान मैं रानी, वो तस्वीर जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, कह रहा था सुभान मैं रानी पाँच सौ दिन में देख रहा भैया इसको मकानी और मेरा मकान भी जानता जहाँ मैं रहता हूँ, सुभान अल्लाह है और सुभान मैं रानी भैया इसको मकानी वयस में और कलानी और हमारा कलाम भी सुन रहा है सुभान अल्लाह और वजन कुछ नहीं वाला इंसान और मुझे रिस्क भी पहुंचाता है, मुझे ढूंढता नहीं फरामोश नहीं करते अल्लाह ने ये चीज तो और रहीम जो है ये मोमिनीन और ईमान वालों के लिए खास। हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम बिलमोमिनी में रऊफुर रहीम, इस आयत से निकाला अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत से निकाला कि रहीम को मोमिनीन के साथ अल्लाह ने बयान किया, तो मालूम रहीम की जितनी रहमतें हैं वो ईमान वालों के लिए खास है।